नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है अनएकेडमी के ऊपर। पुनः मैं लोकेंद्र सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज 10 नए करंट अफेयर्स के साथ में। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर उसके बाद हम लोग अपना आज का करंट अफेयर का सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मनीषा अग्रवाल जी, अमृता मिश्रा जी, गुड इवनिंग। हो गई अमृता जी, स्टार्ट हो गई है। ओके, बस थोड़ा से कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है, कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उस वजह से 1-2 मिनट लेट हो जाता है। अरे मैं यहीं हूँ यहीं हूँ, आपके पास में ही हूँ। ओके, स्टार्ट हो गई है क्लास। चलिए तो आज का करंट अफेयर का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए डन। चलिए चलिए, नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये जो करंट अफेयर है दोस्तों डेली होते हैं, रोज शाम को आप लोगों को 6 बजे नए करंट अफेयर्स मिलते हैं। 6 बजे 6 PM पर रोज डेली 10 नए करंट अफेयर्स। ओके, और संडे के दिन क्या होता है, सारे हफ्ते के करंट अफेयर्स का क्या होता है, रिवीजन होता है। तो आप लोग दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है, सभी लोग इसको ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। अनअकैडमी के विषय में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। अनअकैडमी ने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है दोस्तों, मिशन 2020, जिसमें काफ़ी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। प्री और मेंस दोनों काफ़ी ज़्यादा विस्तार से पढ़ाया जा रहे हैं, और इस कोर्स को मैं जो है उस कोर्स के अंदर प्री प्लस मेंस के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ MP। ठीक है, MP मेरा इसके अंदर सब्जेक्ट है, और सुबह 8:30 बजे उसकी मेरी क्लासेस चल रही है। और काफ़ी सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं दोस्तों प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ने में, क्योंकि एक बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है, बार बार पढ़ने की झंझट ही उसमें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए, एक MPPSC 2020 के लिए प्रिलिम्स के लिए अगर अपन बात करें तो उसके लिए भी अनअकैडमी ने एक बैच अपना स्टार्ट कर दिया है, वो 3 जून से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, प्रिलिम्स के लिए भी एक अलग से बैच स्टार्ट किया हुआ है 2020 के लिए, वो 3 जून से दोस्तों स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, और उस बैच में जो प्रिलिम्स वाला बैच है उसके अंदर मेरे पास में 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक इंडियन पॉलिटी और एक इंडियन ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट्स मेरे उसके अंदर है दोस्तों। इसके अलावा अभी एट प्रेजेंट की बात करूँ तो मेरे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक चल रहा है जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, MP वाला कोर्स, जो कि प्री प्लस मेन्स वाला कोर्स है, सुबह 8:30 बजे इसकी क्लास है। तो जितने भी लोग प्लस पर हैं उन लोगों को अगर ये कोर्स करना है तो मेरी प्रोफाइल में जाकर के मुझे फॉलो करिएगा, और वहां पर इस कोर्स को इनरोल कर लीजिएगा। रोज डेली 6:30 बजे सुबह मॉर्निंग में इसकी क्या होती है, क्लास होती है। एक ये कोर्स मेरा चल रहा है इवनिंग में पॉलिटी का, 7 PM पर चल रहा है, ये भी मैं प्री प्लस मेंस ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही विस्तार से यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, एक बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ने की आवश्यकता आपको पॉलिटी को नहीं पड़ेगी। सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों, खुश रहिए गजेंद्र जी, खुश रहिए, सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों। चलिए, इसके अलावा अनअकैडमी में काफी सारे फीचर्स हैं दोस्तों, आप लोगों को स्टडी फ्रॉम होम उपलब्ध कराया जा रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, 17 रुपीज पर डे का कॉस्ट पड़ता है दोस्तों, बहुत ही कम कॉस्ट पड़ता है अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके अलावा EMI की सुविधा भी अनअकैडमी देता है। ठीक है, 6 महीने 12 मंथ और 24 मंथ, मतलब 6 महीने 1 साल और 2 साल वाला जो सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर आपको EMI की सुविधा भी प्राप्त होती है। जितने भी लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन लोगों ने कि अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, वो मेरा कोड जरूर यूज करिएगा, लोक लाइव LOKLIVE, और इस कोड के माध्यम से आपको 30% का डिस्काउंट, सॉरी इस कोड के माध्यम से आपको 10%, 30% गलत बोल दिया, 10% का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो आगे का डिस्काउंट रहेगा वो आपके क्रेडिट्स जो रहेंगे, आपके जो क्रेडिट्स रहेंगे दोस्तों उसके आधार पर आप लोगों को मिलेगा कितना बाकी का डिस्काउंट। जैसे आपके जितने क्रेडिट होंगे हो सकता है 10% और मिल जाए आप लोगों को, ठीक है,
तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो 7,000 रुपये का एक साल का रहता है दोस्तों, 2 साल का रहता है 8,400 रुपये का, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे ले सकते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 2 साल वाले की, क्योंकि इसमें फायदा है आप लोगों को, ठीक है, कि आगे अगले साल आपको दोबारा से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों अगली बात कर रहे हैं हम लोग, आप आज का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जी 3 मार्कर क्लासेस भी मैं करवाता हूँ, ओके, 3 मार्कर की क्लास भी मैं करवाता हूँ, मेरे यहाँ पर सारी चीजें हो रही है मेरी क्लास में, मतलब के प्रीलिम्स के एमसीक्यूज भी हो रहे हैं रोज रात को 9 बजे, और मेंस की आंसर राइटिंग भी हो रही है 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर, सबकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने ई समारोह में इंडियन गैस एक्सचेंज पहला देशव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित ग्रेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोगों को थोड़ी भी नॉलेज है प्रशासन के विषय में तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल, बलराम जी, अंजलि जी, स्वाति जी, अमृता, साकेत, सपना भदौरिया जी, इतने लोगों ने अभी तक आंसर दिया मुझे। गुड इवनिंग दिशा, प्रांशी पांडे जी का भी आंसर आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान साहब ने जो है इसे लॉन्च किया है इंडियन गैस एक्सचेंज, ये है क्या, इसके विषय में भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया है, एक ई समारोह के माध्यम से, अभी तो कोविड-19 चल रहा है तो भैया एक प्रत्यक्ष समारोह तो आयोजित होना संभव नहीं है, एक ऑनलाइन समारोह के माध्यम से राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित ग्रेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज का क्या किया है, शुभारंभ किया। इसके माध्यम से भारत के अंदर जो प्राकृतिक गैस है उसका क्या किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप जो अपन बात करते हैं कि कंपनी, जैसे कि अपन नेशनल थर्मल पावर प्लांट, नेशनल एनटीपीसी है दोस्तों, एनटीपीसी के माध्यम से विद्युत का वितरण होता है, ठीक है। एनटीपीसी क्या बनाती है, विद्युत बनाती है, ठीक है, और विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ठीक उसी तरीके से गैस को बेचने के लिए ये एक्सचेंज स्थापित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। अब ये किसके साथ में मिलकर के काम करेगा दोस्तों, ये हमारा इंडियन एनर्जी, जो हमारा एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के साथ में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड करके एक हमारी कंपनी है भारत सरकार की, उस कंपनी के साथ मिलकर के काम करेगा और प्राकृतिक गैस को बेचने का काम करेगा। तो ये एक्सचेंज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी दोस्तों। पीडीएफ आपको 2 जगह पर मिल जाएगी, एक डायरेक्ट लोकेंद्र सर, ये टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, मेरे टेलीग्राम का लिंक है @लोकेंद्र सर, इस ग्रुप के अंदर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ @MPPSC10, ये MPPSC व्यापम का एक चैनल है जो कि अनएकेडमी का चैनल है, उस चैनल के ऊपर भी डेली आपको इसकी प्रिंटआउट प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, एक मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से किस सेफ ने क्वालिटी एनजेड कुलनरी कप 2020 जीता है? ये एक नया इवेंट चालू किया है दोस्तों, शेफ के लिए एक नया इवेंट चालू किया हुआ है, क्वालिटी एनजेड कुलनरी कप 2020, और बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं इस नए इवेंट से। आंसर दीजिएगा, कौन जो है, नहीं, गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट के साथ में काम कर रही है, अश्विन मारमत जी, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड जो है उसकी सहयोगी कंपनी के रूप में काम करेगी, ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंगद सिंह राणा, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है दोस्तों, अंगद सिंह राणा, ठीक है। निम्न में से किस शेफ ने क्वालिटी एनजेड कलनरी कप 2020 जीता है दोस्तों, ये अभी अभी एक इवेंट चालू हुआ है, शेफ्स के लिए चालू हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं शेफ का क्या काम होता है। तो अंगद सिंह राणा नाम के शेफ है जिन्होंने इसको जीता है, इनका चित्र हम लोग देख लेते हैं अंगद सिंह राणा साहब का, ताकि आप लोगों को काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी।
अब बात करें कि ये कब किस नाम से है और क्या है और क्या किन लोगों ने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड कुलनरी कप 2020 अपने नाम कर लिए हैं। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की है। किसने की है? स्टीफन फ्लेमिंग ने इस पुरस्कार की घोषणा की है कि ये अंगद सिंह को मिल रहा है। शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड कलनरी कप 2020 के साथ 50,000 रुपये मूल्य का क्वालिटी एनजेड लैंप्स और 46,000 रुपये से अधिक मूल्य का सी फूड और एक वेबर बीबीक्यू जीता है। मतलब कुल मिलाकर कि ये सारी चीजें उन्हें एक पुरस्कार के माध्यम से प्राप्त हुई है। ये जो पुरस्कार है वो भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता है दोस्तों। न्यूजीलैंड के द्वारा इसको क्या किया गया है, न्यूजीलैंड देश के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और इससे जुड़े हुए कौन कौन है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। जजों के पैनल में कौन कौन थे? शेफ देवेंद्र कुमार, शेफ सलील फडनीस, शेफ जुगेश अरोड़ा, स्टीफन फ्लेमिंग, ये सारे लोग क्या थे उस जजेस के पैनल के अंदर थे जिनके माध्यम से कि ये वाला पुरस्कार प्रदान किया गया। तो एक नया इवेंट चालू हुआ है, संभावना है इस प्रश्न की पूछे जाने की व्यापम में। ओके, व्यापम में काफी ज्यादा संभावना है क्योंकि इस तरीके के अटपटे क्वेश्चन व्यापम पूछ लेता है और जब हमसे नहीं बनता है तो हम निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा। कप का नाम है क्वालिटी एनजेड कुलनरी कप 2020, जिसे अंगद सिंह राणा नामक शेफ को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो कि करंट का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आज के करंट अफेयर का। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सीपरी ईयर बुक 2020 जारी की है? बहुत महत्वपूर्ण बुक जारी की गई है और आप सभी लोगों को मालूम होगा इसके विषय में, तो इन सब विषयों में तो आप लोग बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। सीपरी ईयर बुक 2020 किसने जारी की है? कुलदीप यादव जी का आंसर आया हुआ है। देखते हैं और कौन कौन लोग आंसर देते हैं दोस्तों। राहुल राठौर जी ने आंसर दिया हुआ है। ओके, एंड कुलदीप यादव जी का आंसर आया हुआ है अभी तक मेरे पास में जो सही आया हुआ है। साकेत शर्मा जी का आया हुआ है, अश्विन, स्वाति, सपना, प्रियंका राजौरिया जी, समीक्षा श्रीवास्तव जी और गजेंद्र शिवहरे जी। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा सीपरी ईयर बुक जो है जारी किया गया है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सीपरी ईयर बुक लॉन्च की है। ये जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्वीडन में स्थित है। ओके, कौन सा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी आप लोगों से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन में है जिसके द्वारा सीपरी ईयर बुक जारी की गई है। ये क्यों जारी की गई है? ये इसलिए जारी की गई है कि आप लोगों को बता दिया जाए कि किस देश के पास में कितने परमाणु बम है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत चीन ने 2019 की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि की है। मतलब भारत और चीन ने अपने परमाणु शस्त्र जो है उनमें क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। इस थिंक टैंक के अनुसार चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन भी कर रहा है वो। मतलब के जो परंपरागत चीजें थी जहां से कि परमाणु बम का उपयोग किया जा सकता है, उसके अलावा और भी आधुनिक तकनीकें वो विकसित कर रहा है जिसके माध्यम से परमाणु बम का उपयोग किया जा सकता है। अब अगर आगे की बात करें यदि, तो भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान में अधिक परमाणु हथियार। अगर भारत की तुलना में बात करें तो चीन और पाकिस्तान के पास में ज्यादा परमाणु हथियार है दोस्तों। भारत के पास 150 परमाणु हथियार की बात कर रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, बाकी चीन के पास बोल रहा है कि 290 है। ठीक है, पाकिस्तान के पास बोल रहा है कि 150 से 160 परमाणु बम है, ये बात हो रही है। मतलब भारत के पास 150 के आसपास है और पाकिस्तान के पास 150 से लेकर के तो 160 के आसपास क्या है परमाणु बम है, हथियार है। मतलब पाकिस्तान के पास हमारे से भी ज्यादा है,
ऐसा बोला जा रहा है इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी जानकारी लिखी गई है दोस्तों इसके विषय में। भारत अपने परमाणु हथियार स्टॉक और परमाणु बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। भारत भी अपने परमाणु ढांचे का क्या कर रहा है, धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। विमान भारत की परमाणु स्ट्राइक क्षमता में सबसे परिपक्व घटक है। मतलब हम लोग एयरक्राफ्ट जो होता है हमारा, जो फाइटर क्राफ्ट होते हैं हमारे, उनके माध्यम से हम लोग परमाणु हथियार चलाने में ज्यादा सक्षम है। भारत ने अपने विमानों को 48 परमाणु बम सौंप दिए हैं। मतलब के 48 परमाणु बम अभी हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो वायुसेना के पास में, लेकिन उसमें अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही सारी काम हो पाएंगे। बाकी अभी ऐसी बातें हो रही हैं कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कि इतने बम जो है वो सौंपे गए हैं। अलग अलग से बात करें तो चाइना ने भी अपने आधुनिकीकरण को बढ़ाया हुआ है दोस्तों। वहां पर निरंतर परमाणु बम का आधुनिकीकरण चल रहा है। ठीक है, सीप्री अन्वेषण के विषय में देख लेते हैं। सीप्री अन्वेषण क्या है? सीप्री के अनुसार दुनिया के 9 प्रमुख परमाणु सशस्त्र युक्त देश में, इनमें कौन कौन शामिल है जिनके पास में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया तथा इजराइल, इनके पास में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। 2020 की शुरुआत में इन देशों के पास में 13,400 परमाणु हथियार थे, जो कि संख्या में काफी ज्यादा है और पूरी पृथ्वी का विनाश करने में सक्षम है। इनमें से 3,720 परमाणु हथियारों की वर्तमान तैनात किया गया। मतलब कि इतने परमाणु हथियार तो अभी स्ट्राइक पे लगे हुए हैं कि अगर किसी ने कुछ किया तो धड़ाम। ठीक है, 1,800 को उच्च परिचालन चेतावनी में रखा गया। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर। सीप्री इन्वेशन एक दोस्तों सीप्री नाम से ये एक आप लोगों के सामने रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें विभिन्न देशों के पास में कितनी परमाणु हथियार हैं उनके विषय में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अगला आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। ओके ओके ओके, हाँ, अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए, अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, जो चौथा प्रश्न है आज के करंट अफेयर का, के निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है? बिल्कुल, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, इट मीन्स के माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक नया सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है। सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है। इसके माध्यम से व्यक्ति जिसका कि खाता कहाँ पर है, इस एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर है, वो मतलब उसके विषय में ये बताया गया है कि वो 50,000 रुपए तक क्या ले सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सुरक्षाएं हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 1 महीने में 50,000 रुपए तक नगद निकासी की जा सकती है और 20,000 रुपए तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो आपके पास अगर इतनी जमा राशि है वहां पर, तो कोई शुल्क नहीं लगेगा उसमें, लेकिन 50,000 रुपए तक की नगद एयरटेल पेमेंट बैंक से व्यक्ति निकाल सकता है अगर ये वाला खाता उसके पास में है। चलिए दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक के विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, और अगर बात करें अपन तो मास्टर कार्ड मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में, मास्टर कार्ड हेडक्वार्टर जो है उस, ये क्या लिखा हुआ? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुक जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसके जो प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी है वो है अनुब्रत विश्वास। ठीक है, मुख्यालय में एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है नई दिल्ली के अंदर। हाँ, लिमिट से भी ज्यादा निकाल सकते हैं। चलिए, मतलब कि 50,000 रुपए तक आप पेमेंट निकाल सकते हो वहां पर, अगर आपके पास में 20,000 रुपए भी जमा है तो। चलिएगा दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया? आंसर दीजिएगा, ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया और पूरा पेपरलेस बन गया है। आंसर दीजिएगा दोस्तों, ए इसका आंसर है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड।
इन्होंने ई एप्लीकेशन, ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। मतलब के सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है यहाँ पर। अब ई ऑफिस एप्लीकेशन के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में बहुत सारी चीजें क्या होने लग जाएंगी, ऑनलाइन होने लग जाएंगी। जैसे जो कस्टम क्लियरेंस होता था दोस्तों, कस्टम क्लियरेंस का मतलब होता है कि आपने पोर्ट पर कुछ भी सामान मंगवाया और पोर्ट पर या बंदरगाह पर कुछ भी सामान मंगवाया तो उसका क्लियरेंस लेना पड़ता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से, उसे कहते हैं कस्टम क्लियरेंस। तो जो कस्टम क्लियरेंस है वो भी ऑनलाइन हो गया है। अब इसके माध्यम से ये हो जाएगा कि जो भी व्यापारी है, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बार बार जो है ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो इसी के माध्यम से अपने सारे काम करवा लेगा। अच्छा, इसमें ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑफिसर आपका कस्टम क्लियरेंस क्लियर कर रहा है। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है कि कौन सा ऑफिसर आपका कस्टम क्लियर कर रहा है, या ऑफिसर जो है उसको भी ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा क्लियरेंस हो रहा है, हाँ ठीक है ये व्यक्ति है इसका क्लियरेंस हो रहा है, लेकिन उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाएंगी, ठीक है। भ्रष्टाचार की संभावनाएं जो हो जाएंगी वो कम हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये ई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया था यहाँ पर, कुलदीप यादव, अंजलि तोमर, स्वाति मिश्रा, दिया बिट्टू, साकेत शर्मा, राहुल राठौर जी, साकेत शर्मा जी, समीक्षा श्रीवास्तव जी, सपना भदौरिया जी, अश्विन जी, रंजना खरे एंड प्रांशी प्रांडे, इतने लोगों ने दोस्तों मुझे आंसर दिया हुआ है। दोस्तों जितने भी लोग क्लास के अंदर है सभी लोग फटाफट लाइक करके आ जाइएगा, जल्दी से फटाफट लाइक करके आ जाइएगा दोस्तों, फटाफट फटाफट लाइक करके आ जाइएगा इसको। फिर उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ओके, ये दोस्तों अब अगला प्रश्न आप लोगों का, हाल ही में समाचारों में देखे गए हीरा सिंह कौन थे? हाल ही में समाचार, हाँ अमृता जी आपने भी सही जवाब दिया। चलिए, हाल ही में समाचार पत्रों में देखे गए हीरा सिंह कौन थे, ये करंट अफेयर का छठवां प्रश्न है। दोस्तों कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर भी पूछ लिए जाते हैं, तो कल्चर से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वही करंट अफेयर यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन के सामने है कि हीरा सिंह कौन थे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, गुड गुड गुड, दिया, राहुल, स्वाति, संजय, आकांक्षा, अंजलि, सपना, समीक्षा, बलराम पाटीदार, अश्विन जी आपने, प्रांशी पांडे जी भी बिल्कुल, कुलदीप यादव जी और अमृता मिश्रा जी, बिल्कुल। एक लोक गायक है दोस्तों ये हीरा सिंह, कहाँ के लोक गायक है देख लेते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में 13 जून 2020 को 78 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। हीरा सिंह का जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था, ठीक है। एक लोक गायक है दोस्तों, काफी अच्छे लोक गायक थे ये हीरा सिंह, जो कि उत्तराखंड से संबंध रखते थे। ओके, कल्चरल वाला आप लोगों का कोई अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है कल्चर से संबंधित, ठीक है, संस्कृति से संबंधित, तो इस तरीके के प्रश्न करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। हीरा सिंह उत्तराखंड के लोक गायक थे। ओके चलिए, अगला प्रश्न है अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, सातवां प्रश्न है करंट अफेयर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों के हर इलाके और कॉलोनी में पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करेगी, ठीक है। यह अभी हाल ही में घोषणा की गई है, कौन सी प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों के हर इलाके और कॉलोनी में पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करेगी, आंसर दीजिएगा दोस्तों। रुद्र सिंह राजपूत जी आ गए हैं क्लास के अंदर, अभी उन्होंने आंसर दिया हुआ है, संजय सिंह जी का आंसर आया हुआ है, कुलदीप यादव जी का भी आंसर आया हुआ है, दिया बिट्टू, अंजलि तोमर जी का, इतने लोगों का आंसर अभी तक मेरे पास आया है दोस्तों। क्विक क्विक जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा ये वाला सातवां प्रश्न, क्योंकि ये मध्य प्रदेश ने चालू किया है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में ही चालू किया है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग मध्य प्रदेश सरकार कौन से इलाकों में करेगी, तो केवल शहरी इलाकों में करेगी, ठीक है।
पल्स ऑक्सीमीटर का काम क्या होगा दोस्तों? ये एक उपकरण है, ओके? ये क्या है? एक उपकरण है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो सेंस किया जाएगा कि कितना ऑक्सीजन किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिया जा रहा है। क्योंकि उसमें आपकी जो जैसे इसमें क्या हो जाएगा कि जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है उसके उसको सेंस किया जा सकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है दोस्तों, कोरोना में एक प्रॉब्लम हो रही है, कोरोना के साथ में एक दिक्कत ये हो रही है कि बहुत सारे लोगों को ये हो जाता है, होने के बाद कोई सिम्टम्स नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं उसके, ठीक है? क्यों कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी काफी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी हो गया, उसको खत्म भी हो गया, उसको पता भी नहीं चलता है कभी कभी, ठीक? लेकिन उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को जिसकी इम्यूनिटी खराब है उसको हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको सेंस करना बड़ी समस्या हो रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की स्क्रीनिंग करने के लिए, कोरोना की स्क्रीनिंग करने के लिए के शहरी क्षेत्रों में कितने लोगों को कोरोना जो है हो चुका है उसकी ज्यादा से ज्यादा उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का क्या किया है दोस्तों, उपयोग करने जा रहा है। शहरी इलाकों में जाएगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसका जो है उपयोग करके और वहां के लोगों को, मैं कितने लोगों के अंदर कोरोना है इसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का आठवां करंट अफेयर है आपका। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के जेम्स वॉट पुरस्कार से के लिए चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है दोस्तों? ये भारतीय मूल के हैं इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आंसर दीजिएगा दोस्तों आठवें का। बहुत सारे लोगों ने सातवें का बहुत ही सही आंसर दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने सातवें का बहुत ही सही आंसर दिया हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है? बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं, अनुराधा आचार्य। देखते हैं, पूर्णिमा मालविया जी ने ए आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अनुराधा आचार्य जी हैं, देख लेते हैं कौन है। मधु माधवी जी को चुना गया है, ठीक है, मधु माधवी जी को चुना गया, अनुराधा आचार्य जी को नहीं चुना गया। ओके, ए आंसर है, जेम्स वॉट पुरस्कार अभी हाल ही में इनको मिला हुआ है। इनका चित्र देख लेते हैं दोस्तों, मधु माधवी जी को जिनको कि जेम्स वॉट पुरस्कार मिला हुआ है, ये मधु माधवी जी जिनको कि हाल ही में जेम्स वॉट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इसमें गलत जवाब हो गया, देख लेते हैं क्या है दोस्तों। वर्ष 2020 के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए मधु माधवी जी को चुना गया है। उन्हें ये अवार्ड अक्टूबर में लंदन में दिया जाएगा, मतलब कि ब्रिटेन का एक अवार्ड है दोस्तों जो कि मधु माधवी जी को मिला हुआ है। ब्रिटेन के व्यापार ऊर्जा और पर्यावरण नीति विभाग में, यहाँ पर देखिएगा, ब्रिटेन के व्यापार ऊर्जा एवं पर्यावरण नीति विभाग में इसी साल से सीनियर पॉलिसी ऑफिसर के रूप में कार्यरत मधु ने कैम्ब्रिज ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डॉक्टरल ट्रेनिंग के अंतर्गत वैश्विक भौगोलिक संदर्भ में ऊर्जा संचालन विषय पर शोध किया है। तो इस शोध के लिए भी और भी उनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए दोस्तों। हालांकि ये कहाँ पर कि कहाँ का अवार्ड है, ब्रिटेन का अवार्ड है, जेम्स वॉट पुरस्कार जो कि भारतीय मूल की मधु माधवी जी को प्रदान किया गया है। लंदन में अवार्ड अक्टूबर में ये उनको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये है मधु माधवी जी दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट प्रश्न है नहीं, एक शोधकर्ता है रुद्र प्रताप जी, एक शोधकर्ता है, ठीक है, रिसर्चर है। चलिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या है? पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, ये भी हम जानेंगे, ये भी प्रश्न आपका आ सकता है, और साथ ही साथ उसका विषय इस बार का क्या है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय क्या है? आंसर दीजिएगा। ओके दोस्तों,
फूड फीड और फाइबर, फूड फीड और फाइबर, ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 का विषय है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, विश्व भर में 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष का इसका विषय जो है वो क्या है, फूड फीड और फाइबर, फूड फीड और फाइबर, ये इस वर्ष का क्या है, इसका विषय है। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे बड़े खतरे होते हैं दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है। मरुस्थलीकरण कैसे होता है, मैंने अपनी ज्योग्राफी की क्लास के अंदर समझाया था दोस्तों, मरुस्थल के आसपास जो जमीन होती है वो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण में परिवर्तित होती जाती है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि जो मरुस्थल के अंदर, जैसे अपन बात करते हैं कि रेत है मान लीजिए, तो मरुस्थली जो रेत है वो हवा के माध्यम से उस उपजाऊ भूमि के ऊपर भी आ जाती है और धीरे धीरे वो एरिया मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है। ये वाली जो समस्या है हमारे यहाँ पर, वो राजस्थान के पूर्वी इलाके में बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी इलाके में मरुस्थल है, अब उसके पूर्वी इलाके में इसकी परिस्थितियां जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत बड़े खतरे हैं दोस्तों। अगर अपन बात करें कि कब से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1994 में मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण के रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका अनुमोदन दिसंबर 1996 में किया गया, और वहीं 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसके पश्चात 1995 में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए यह दिवस मनाया जाने लगा। मतलब कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब से मनाया जाने लगा है, 1995 से मनाया जाने लगा है, और भारत ने विश्व मरुस्थलीकरण से संबंधित जो अभी समय जो प्रोटोकॉल हुआ था उस पर सिग्नेचर कब किए थे, 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने इस पर सिग्नेचर किए थे। यहाँ पर इसमें कुछ और भी बातें लिखी गई हैं कि किन कारणों से भारत में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, किन कारणों से भारत में सूखे की समस्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव निर्मित कारणों से घास फूस की अधिक चराई उत्पादकता और जैव विविधता को कम करता है। जैसे आप अत्यधिक चराई अगर करते हैं तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, मरुस्थलीकरण बढ़ता जाता है। 2005 से 2015 के बीच भारत ने 31% घास के मैदान खो दिए। ठीक है, वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में वृद्धि तो होती है। ठीक है, वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि तो होती है, साथ ही धरती अपना परिधान लुटा देती है और बहुत सारी समस्याएं दोस्तों धीरे धीरे आने लगती है। और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके विषय में आप लोगों को जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, चलिए, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी दोस्तों, @लोकेंद्र सर नामक टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहां पर रोज डेली 10 नए करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोगों को मिलता है। ओके, चलिए, 10वां प्रश्न है दोस्तों आज का आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, 10वां प्रश्न है आपका आज आपके स्क्रीन के ऊपर। मुखम्मदई एक व्यक्ति का नाम है, मुखम्म दकलई अबिल गाजियेव ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। फिर से सुन लीजिएगा नाम, मुखम्म दकलई अबिल गाजिये दे अबिल गाजियेव, नाम भी बड़ा टफ टाइप का है यार, ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं, आंसर दीजिएगा। मुखम दकलई अबिल गाजियेव किस देश के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, मंगोलिया के आंसर दे रहे हैं सब लोग। अच्छा दोस्तों, मंगोलिया के नहीं है, यहां पर देखे किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कहां के प्रधानमंत्री है ये, ए इसका आंसर है। ठीक है, मुखम दकलई
अबिल गाजियेव, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। आप लोगों को मालूम होगा इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एमपीपीएससी के अंदर, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एमपीपीएससी के अंदर। और एमपीपीएससी 2020 की संभावनाएं बढ़ गई हैं दोस्तों, जल्दी आ सकता है आप लोगों का डेट, क्योंकि व्यापम ने अपनी डेट दे दी है नई वाली, यूपीएससी ने भी अपनी डेट दे दी है नई वाली, तो अब एमपीपीएससी भी अपनी डेट नई वाली जल्दी देने वाला होगा, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने 2019 के अंदर देखा होगा इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि उस देश की प्रधानमंत्री, है ना, वो पूछा गया था इस बार प्रश्न, तो ये पूछा जा सकता है। इन्होंने इस्तीफा दिया है, किर्गिस्तान के क्या थे, क्या थे, प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न है, चलो ये 10 प्रश्न हो गए दोस्तों आप आपके, ओके 10 प्रश्न हो गए हैं आपके, ये हैं दोस्तों जो कि किर्गिस्तान के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, है ना, और इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम जो है वह है मुकम्मद अकलई अबीगाजी, अबीगाजी येव, ठीक है, ये इनका नाम है जिन्होंने अभी हाल ही में क्या दिया है, इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री के पद से। चलिए दोस्तों आज का मैप का प्रश्न, चलिए चलिए अगला प्रश्न है, मैप का प्रश्न आ गया है दोस्तों, उस जगह का नाम बताना है आप लोगों को, हालांकि बहुत ही आसान है, बैतूल जिले के अंदर ये जो बात हो रही है कि इस स्थान पर 1942 में आदिवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध अगस्त आंदोलन हुआ था, ठीक है, इस स्थान पर 1942 में आदिवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध अगस्त आंदोलन हुआ था, घोड़ा डोंगरी विद्रोह में बिरसा गोंड शहीद हुए थे, ठीक है, तो ये बैतूल जिले में पड़ता है दोस्तों, घोड़ा डोंगरी, नाम याद रखिएगा घोड़ा डोंगरी जगह का नाम है जो बैतूल जिले में स्थित है, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नाम से भी आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, 1942 में आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अगस्त आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था, साथ ही साथ बिरसा मुंडा, सॉरी बिरसा गौंड, बिरसा मुंडा नहीं है, बिरसा गौंड जो है वो इस विद्रोह में क्या हुए थे, शहीद भी हुए थे, ओके तो ये याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह नहीं है ये, बिरसा गौंड थे वो, ठीक है, उनका नाम था बिरसा गोंड, मुंडा नहीं थे, ठीक है, घोड़ा डोंगरी में, घोड़ा डोंगरी बैतूल में एक जगह है, ठीक है, चलिए दोस्तों, हाँ क्वेश्चन में ही आंसर था आज, हमारा उद्देश्य केवल याद करवाना था दोस्तों। जितने भी लोग क्लास के अंदर है जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक करके आ जाओ, तो जल्दी से फटाफट फटाफट जाओ लाइक के बटन पर क्लिक करके आ जाओ, अब कल का रिवीजन मारेंगे हम लोग, चलो कल का रिवीजन मान लेते हैं। कल हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा था कि रजा पर्व कौन से राज्य में मनाया जाता है ना, तो रजा पर्व कहां पर मनाया जाता है, ओडिशा के अंदर मनाया जाता है, यह अपन ने कल पढ़ा था। फिर सिख धर्म के कौन से गुरु हैं जिनका कि 16 जून को जिनकी शहादत दिवस जो है मनाया जाती है ना, गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 जून को, और ये सिख के पहले शहीद माने जाते हैं और गुरु अर्जुन देव, और उनके विषय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखी थी, वो आप लोग कल वाले वीडियो में चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने गुरु अर्जुन देव के विषय में दी थी, और इनको एक विशेष प्रथा के माध्यम से मारा गया था, उस विशेष प्रथा का नाम भी मैंने बताया था, उसका नाम था यासा व सियासत, ठीक है, यासा व सियासत, ये बहुत खतरनाक कानून था, उस कानून के तहत इनको मारा गया था, और उसमें खून का एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए और व्यक्ति की मौत हो जानी चाहिए, उस कानून के माध्यम से गुरु अर्जुन देव जी को मारा गया था, जहांगीर के द्वारा उनको मृत्यु के घाट उतारा गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न था कल का हमारा, पाकिस्तान ने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया है, तो मारवी रख दिया है दोस्तों,
जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन वह रेलवे स्टेशन है जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच में थार एक्सप्रेस गुजरती है। थार एक्सप्रेस जो कि साप्ताहिक ट्रेन है दोस्तों, वो गुजरती है, लेकिन अभी 370 के हटने के बाद वो बंद है, ठीक है, लेकिन वो गुजरती थी। उसका नाम मारवी रख दिया है। अब मारवी रख तो दिया है, लेकिन क्यों रखा गया है, इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। एक मारवी साहब थे जिनकी प्रेम कथा के आधार पर रखा गया, या मारवी एक खानाबदोश जनजाति थी उसके आधार पर रखा गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। कल का जो चौथा प्रश्न था आप लोगों का, कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाली पहली सिख महिला बन गई है, तो अनमोल बन गई, ठीक है। तो अनमोल नारंग जी जो है वो क्या बन गई है, पहली सिख महिला स्नातक बन गई है अमेरिकी सैन्य अकादमी से, ओके। चलिए अच्छा दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सारे जो ये हम कर रहे हैं करंट अफेयर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और व्यापम के एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों अनमोल नारंग जी, जो कि स्नातक हुई है पहली सिख। भारत के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या, बसंत राय जी। बसंत राय जी जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, भारत के सबसे पुराने क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। ये बीच में उनका बर्थडे मन रहा है बसंत राय जी का, ओके। शंभू एस कुमारन को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो फिलीपींस में शंभू एस कुमारन को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। ये है शंभू एस कुमारन जी, जिनको कि फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नोवाक जोकोविक के द्वारा स्टार्ट किए गए चैरिटी टूर्नामेंट एड्रिया टूर के पहला लेग किस खिलाड़ी को ने जीता है, तो पहला जो राउंड था उसका, चैरिटी टूर्नामेंट एड्रिया टूर का पहला राउंड जो था वो डोमिनिक थियम के द्वारा जीता गया है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय ट्रस्ट के मुताबिक भारत के किस राज्य की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला है, तो वो किस में मिला है दोस्तों, उड़ीसा राज्य की महानदी के अंदर मिला है, उड़ीसा राज्य की महानदी के अंतर्गत दोस्तों मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कल का हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंदर 8 प्रश्न का रिवीजन हमारा हो गया है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने वेतन खाता धारक के लिए एक्स्ट्रा मतलब इंस्टा फ्लेक्सी कैश, इंस्टा फ्लेक्सी कैश सेवा शुरू की है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश सेवा शुरू की है। आगे की कहानी देखते हैं, तो इनमें से कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है, तो भारत शामिल हो गया है दोस्तों इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर संस्थापक सदस्य देश में शामिल हो गया है। कल इसके विषय में मैंने काफी ज्यादा बातें भी की थी और बताया भी था कि कौन कौन से देश इसके संस्थापक देश हैं, और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मैंने उपलब्ध करा दी थी। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। कल हम लोगों ने एक मैप पढ़ा था, उस मैप में हमने बैतूल के एक विशेष स्थान का नाम जाना था, जहां पर की प्रशिक्षण विद्यालय भी है, वह है प्रभास पट्टन। प्रभास पट्टन नामक जगह कहाँ पर है दोस्तों, बैतूल के अंदर पड़ती है प्रभास पट्टन, जहां पर एक बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय भी है। स्वतंत्रता संघर्ष का ये एक मुख्य केंद्र बिंदु भी रहा है, कौन सा, प्रभास पट्टन, जो कि बैतूल में पड़ता है। तो यहां तक आज हमारी क्लास थी, जिसमें हमने तीनों सेगमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, 10 नए करंट अफेयर्स, एक मैप की नई लोकेशन और कल का पूरा रिविजन। कल पुनः 6 बजे 10 नए करंट अफेयर्स के साथ में मैं आपको मिलूंगा, लोकेंद्र सिंह। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय।